अगली खबर आपको बता देते हैं एक बार फिर भोपाल से ही, जहां प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। 2012 के बाद से भत्ते नहीं बढ़ाए गए थे, कोई वृद्धि में नहीं हुई थी। 12 साल के बाद एनआरए बढ़ा है। शासकीय आवास वाले कर्मचारियों को ये भत्ता, ये सुविधा नहीं मिलेगी। भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से ये जोड़े जाएंगे। जिनके पास शासकीय आवास है वो कर्मचारी इस लाभ से अछूते रहेंगे। 7 लाख कर्मचारी ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी जिनके भत्ते बढ़ाए जाएंगे। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन कर्मचारियों को ये कह सकते हैं बड़ी सौगात, 12 साल के बाद एनआरए बढ़ाया जा रहा है उनका। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए 7 लाख कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने की जो है यहाँ पे बात कही है। इसमें से वो शासकीय कर्मचारी शामिल नहीं होंगे जिनको शासकीय आवास मिला हुआ। लगभग 12 सालों से जो है एचआरए नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन अब मोहन सरकार ने फैसला लिया है कि 7 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा पहुँचाना। आप देखेंगे कई तरह के सवाल उठते थे कर्मचारियों को लेकर, अब इसके जरिए जो है मोहन सरकार ने कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की। और लगातार कर्मचारी राजधानी भोपाल के अलावा तमाम जगहों पर प्रदर्शन करते थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी कर्मचारियों के भविष्य के लिए बेहतर होगा वो यहां पर सरकार करती हुई नजर आएगी, और उसी के तहत एक अच्छी पहल यहां पर जो है सरकार के द्वारा की गई है, कर्मचारियों के फायदे के लिए की गई है। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि इससे कितने कर्मचारी जो है लाभान्वित होते, और जो शासकीय आवास में रह रहे उन कर्मचारियों को ये लाभ इसलिए भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि शासकीय आवास में उनको तमाम तरीके की सुविधा मिलती है। तो ऐसे में उन 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा जो सरकार से जो है डायरेक्ट जुड़े हुए जो शासकीय कर्मचारी है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार जो है तमाम जो है कर्मचारी राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते थे। अब उसके बाद जो है ये नतीजा निकल कर सामने आया है कि जो है प्रदेश में 7 लाख कर्मचारियों को यहाँ फायदा पहुँचाने का काम मोहन सरकार करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, ऐसे में जाहिर सी बात है भार बढ़ेगा और वो कोशिशें भी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे कि हमने जिक्र भी शुरुआती हेडलाइंस में किया था कि अलग अलग इन्वेस्टर समिट्स में, कि ताकि किसी तरह से जो भी चीज़ें हो, रोज़गार तो बढ़े ही, राजस्व में किस तरह से बढ़ावा हो उस पर भी वो कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि 7 लाख कर्मचारियों का जब भत्ता बढ़ेगा तो भार आएगा सरकार के बजट पर भी, शबाना जाहिर है। तो अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं उस माध्यम से भी। जी ठीक है शबाना, लौट रही हूँ आपके पास अगली खबर पर, आपसे बात करेंगे। तो 7 लाख कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की बात सामने आ रही है और 2012 के बाद भत्तों में वृद्धि नहीं हुई है। 12 साल से एचआरए नहीं बढ़ाया गया था, बेचारे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये उन कर्मचारियों के लिए बिल्कुल नहीं होगा जिनके पास पहले ही शासकीय आवास है, यानी वो शासकीय आवास में रह रहे हैं।